हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटर, कोई भी बिजनेस को क्रिएटर और स्टार्ट करने वाला पर्सन होता है। कोई भी बिजनेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस, फैक्ट्री, कंपनी, शॉप, वर्कशॉप, इन तरह की जगहों को जो लगाता है, क्रिएट करता है, स्टार्ट करता है, स्टार्टअप करता है, तो ये पर्सन जो होता है वो ओनर कहलाता है। जबकि मैनेजर क्या होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस, फैक्ट्री, कंपनी, शॉप, वर्कशॉप में एम्प्लॉय होता है, वहाँ पे काम करने वाला पर्सन होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक रिस्क टेकर पर्सन होता है। वो रिस्क लेता है किसी अपने फाइनेंसिस को, अपने पर्सनल सेविंग्स को, चीज़ों को इन्वेस्ट करने का एक रिस्क लेता है अपने इंटरप्राइजेज, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, कंपनी में, शॉप में या फिर वर्कशॉप में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेता है। क्यों क्यों रिस्क लेता है? क्योंकि उसका कुछ विजन होता है, कुछ अचीव करने का और प्रॉफिट पाने का, कुछ प्रॉफिट अर्न करने का जो विजन होता है, इसलिए उसको वो अपने फाइनेंसिस को रिस्क में डालता है, अपने सेविंग्स को रिस्क में डालता है। तो अचीवमेंट किस फॉर्म में हो सकती है? अचीवमेंट हो सकती है कि उसका अचीवमेंट हो सकती है कि कहीं समाज में उसको कुछ पोजीशन पानी है, कुछ किसी भी एक एरिया में उसको कैटर करना है, पोजीशन लोगों को अट्रैक्ट करना है। और जब वो पोजीशन को अट्रैक्ट करता है तो उसको बिजनेस करना है, उन लोगों के बीच में बिजनेस करना है, तो उसके बेस में उसको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। ज़्यादा ज़्यादा लोग को प्रोडक्ट सेल करेगा, सर्विसेज सेल करेगा, तो उसके बेस पर उसको प्रॉफिट मिलेगा। जबकि मैनेजर का क्या होता है? मैनेजर का जो विजन होता है, उसको विजन जो होता है उसको काम करना सिर्फ रहता है कि अपने जो भी ऑन गोइंग प्रोसेस है उनको सही से प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाना है। जबकि प्राइमरी मोटिवेशन के एंटरप्रेन्योर को किससे मिलता है? अचीवमेंट से मिलता है। जो भी चीज़ें अचीव करता है, वो चाहे प्रॉफिट के फॉर्म में हो या भी पद प्रतिष्ठा, इन चीज़ों के फॉर्म में हो। जबकि मैनेजर को जो मोटिवेशन मिलता है वो पावर से मिलता है। उसको जो पावर उसको मिल रही आती है, उसके उसके पास जो पावर आती है वो किससे आती है? पोस्ट से आती है। जो भी डेजिग्नेशन उसकी बढ़ रही होती है, उसके बेस पे उसकी पावर भी बढ़ रही होती है, तो उसके बेस पे उसको अच्छी मोटिवेशन उससे मिलता है। जो स्टेटस होता है दोनों का, तो जो स्टेटस होता है एंटरप्रेन्योर का, उसका वो स्टेटस होता है ओनर कहलाता है। वो एंटरप्रेन्योर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री और कंपनी का ओनर कहलाता है। जबकि मैनेजर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, कंपनी, एंटरप्राइजेस का एम्प्लॉय होता है, जो कि एम्प्लॉय कहलाता है। रिवॉर्ड क्या मिलता है दोनों को? रिवॉर्ड एंटरप्रेन्योर का जो रिवॉर्ड मिलता है वो होता है प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है। जबकि मैनेजर को जो रिवॉर्ड मिलता है वो उसको सैलरी के बेस में जो सैलरी मिल रही होती है वो होता है। और कई बार उसका जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसके बेस पे उसको कुछ बोनसेस दिए जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग जो होता है एंटरप्रेन्योर का क्या इंट्यूटिव होता है, जबकि उसका होता है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग होता है। जो भी ऑन गोइंग होता है उसके बेस पे उसका डिसीजन मेकिंग रहता है। इंट्यूटिव में उसको एंटरप्रेन्योर को पहले से चीज़ें नहीं पता होती हैं, उसको ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो जिस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के आ रहे होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल रीजन होते हैं उसके बेस पे साथ में डिसीजन लेने रहते हैं, उसको पहले से कुछ भी नहीं पता रहता है। जबकि मैनेजर जो होता है उसको पहले से चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बनाने हैं, ये सर्विसेज बनानी है और आपको इतनी क्वालिटी लानी है, इतने टाइम में बनाने हैं, तो ये और आपको ये रॉ मटेरियल मिलेगा, ये आपको इनपुट मिलेगा और ये आपको आउटपुट देना है, तो ये सारी चीज़ें पहले से उसको पता होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? वो क्रिएटिविटी और इनोवेटिव होता है पर्सन जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो क्रिएटिविटी और उसके अंदर इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना, नया बिजनेस लगाना, नया कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, इस तरह की अप्रोच वो रखता है। और कुछ इनोवेशन करना, ब्रांड प्रोडक्ट के में कुछ अपडेट वर्जन लाना, इस तरह की कोई चीज़ें इस तरह को लेता है। जबकि मैनेजर क्या होता है? सिर्फ ऑन ग्रोइंग इंस्ट्रक्शन बेस पे काम करता है। उसको जो भी इंस्ट्रक्शन उस जो क्रिएटिव और इनोवेशन के बेस पे, उसको जो फाइनल मार्केट रिसर्च के बेस पे चीज़ें आती हैं उसके बेस पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ये बनाना है या ये सर्विस या प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके बेस पे वो काम कर रहा होता है। जो रिस्क ओरिएंटेशन होता है दोनों का, रिस्क प्रोफाइल होता है, तो मैंने जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा रहता है, तो जब रिस्क लेता है तो उसको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। और उसके रिस्क लेता है तो उसके फाइनेंसेस भी रिस्क में जाते हैं। रिवॉर्ड मिलने के साथ कई बार क्या होता है कि गलत अगर रिस्क डिसीजन ले लिया तो फिर आपका फाइनेंसेस डूबने के चांसेस भी रहते हैं। पैसे जो भी हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं आपने, वो भी डूबने के चांसेस रहते हैं। जबकि मैनेजर क्या होता है? कोई भी रिस्क टेकर पर्सन नहीं होता है, वो नॉर्मल अपने ऑन गोइंग प्रोसेस पे ही फोकस करता है और सैलरी बेस पे ही काम कर रहा होता है। तो मेन डिफरेंसेस यही रहते हैं एंटरप्रेन्योर में और मैनेजर्स में।
तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमेशा ग्रोथ जो रेट रहती है एंटरप्रेन्योर की सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। जबकि मैनेजर क्या होता है, टाइम बेस पे, टाइमिंग बेस पे उसके प्रमोशन हो रहे होते हैं, तो उसकी ग्रोथ रेट उतनी तेज़ी से नहीं रहती है। तो इसीलिए लोग इन आज के टाइम पे जो इन आज के टाइम पे बड़े बड़े लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर कोई जाके जॉब ना करके स्टार्टिंग करना चाह रहा है, कोई भी बिजनेसेस के, कोई भी नया वर्क, नया न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए नया स्टार्टअप डालना चाह रहा है, ताकि वो अपने फाइनेंसेस को रिस्क में डाल के करता है, ताकि कुछ ना कुछ उसको आगे जाके अगर सक्सेस हुआ तो उसको मिलने वाला है। जबकि मैनेजर अगर जो लोग जॉब पे फोकस कर रहे होते हैं, तो उनका ऐसा कुछ भी विजन नहीं रहता है। तो ये था आज के टाइम वीडियो में डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।